संबंध विद्युत लोक के अनंतर यह कहा गया कि यह अमानव पुरुष उनको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। तब बीच में आने वाले वरुण इंद्र और प्रजापति के लोकों के अभिमानी देवताओं का क्या काम रहेगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं विद्युते नैव ततस्तच्छुते। वहां से आगे ब्रह्मलोक तक विद्युत लोक में प्रकट हुए अमानव पुरुष द्वारा ही पहुँचाए जाते हैं, क्योंकि वैसा ही श्रुति में कहा है। व्याख्या, वहां से उनको वह विद्युत लोक में प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि विद्युत लोक से आगे ब्रह्म लोक तक वही विद्युत लोक में प्रकट अमानव पुरुष उनको पहुंचाता है। बीच के लोकों के जो अभिमानी देवता हैं उनका इतना ही काम है कि वे अपने लोकों में होकर जाने के लिए उनको मार्ग दे दें और अन्य आवश्यक सहयोग करें। संबंध ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान वहां ब्रह्म लोक में जिसको प्राप्त होता है वह पर ब्रह्म है या सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले बादरी आचार्य की ओर से सातवें सूत्र से ग्यारहवें सूत्र तक उस पक्ष की स्थापना की जाती है। कार्यम बादरीरस्य गत्युपपत्तेह। आचार्य बादरी का मत है कि कार्य ब्रह्म को अर्थात हिरण्य गर्भ को प्राप्त होते हैं, क्योंकि गमन करने के कथन की उपपत्ति इस कार्य ब्रह्म के लिए ही हो सकती है। व्याख्या, श्रुति में जो लोकांतर में गमन का कथन है वह पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उनको पाने के लिए लोकांतर में जाने की क्या आवश्यकता है। अतः यही सिद्ध होता है कि इन ब्रह्म विद्याओं की उपासना करने वालों के लिए जो प्राप्त होने वाला ब्रह्म है वह पर ब्रह्म नहीं किंतु कार्य ब्रह्म ही है, क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोकांतर में जाकर उसे प्राप्त करने का कथन सर्वथा युक्ति संगत है। संबंध प्रकारांतर से अपने पक्ष को दृढ़ करते हैं। विशेषित्वाच तथा विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है, इसलिए भी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित है। व्याख्या, अमानव पुरुष इनको ब्रह्म लोकों में ले जाता है। इस श्रुति में ब्रह्मलोक में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्मलोकों में ले जाने की बात कही गई है, ब्रह्मा को प्राप्त होने की बात नहीं कही गई। इस प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट कहा जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह लोकों का स्वामी है। अतः भोग्य भूमि अनेक होने के कारण लोकों के साथ बहुवचन का प्रयोग उचित ही है। संबंध दूसरी श्रुति में जो यह कहा गया कि वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप ले जाता है वह कथन कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रुति का उद्देश्य यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताना होता तो ब्रह्मा के समीप पहुँचा देता, ऐसा कथन होना चाहिए था। इस पर कहते हैं सामिप्यात्तु तदव्यपदेशः। वह कथन तो ब्रह्म की समीपता के कारण ब्रह्मा के लिए भी हो सकता है। व्याख्या, जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है तथा जो उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध परम देव परमेश्वर की मैं मुमुक्षु साधक शरण ग्रहण करता हूँ। इस श्रुति कथन के अनुसार ब्रह्मा उस पर ब्रह्म का पहला कार्य होने के कारण ब्रह्मा को ब्रह्म कहा गया है, ऐसा मानना युक्ति संगत हो सकता है। संबंध गीता में कहा है कि ब्रह्मा के लोक तक सभी लोक पुनरावृत्तशील हैं। इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर वहां जाने वालों का वापस लौटना अनिवार्य है, और श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वालों का वापस न लौटना स्पष्ट कहा है, इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति न मानकर पर ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित मालूम होता है। इस पर बादर की ओर से कहा जाता है कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्। कार्य रूप ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित इससे श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने का कथन है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होगी। व्याख्या,
जिन्होंने उपनिषदों के विज्ञान द्वारा उनके अर्थभूत परमात्मा का भली भांति निश्चय कर लिया है तथा कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मलोकों में जाकर अंतकाल में परम अमृत स्वरूप होकर भली भांति मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रुति में उन सबकी मुक्ति का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल में ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित वहां गए हुए ब्रह्म विद्या के उपासक भी पर ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। संबंध स्मृति प्रमाण से अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं। स्मृतेश्च स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या वे सब शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष प्रलय काल प्राप्त होने पर समस्त जगत के अंत में ब्रह्मा के साथ उस परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रुति में भी यही भाव प्रदर्शित किया है, इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है। संबंध यहाँ तक बादर की पक्ष की स्थापना करके अब उसके उत्तर में आचार्य जैमिनी का मत उद्धृत करते हैं। परम जैमिनिर मुख्यत्वात् आचार्य जैमिनी का कथन है कि ब्रह्म शब्द का मुख्य वाच्यार्थ होने के कारण परब्रह्म को प्राप्त होता है, यही मानना युक्ति संगत है। व्याख्या वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है। श्रुति के इस वाक्य में कहा हुआ ब्रह्म शब्द मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, इसलिए अर्च्य आदि मार्ग से जाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। जहाँ मुख्य अर्थ की उपयोगिता नहीं हो वहीं गौण अर्थ की कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थ की उपयोगिता रहते हुए नहीं। वह पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी उसके परम धाम का प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकों के जाने का वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में जगह जगह किया गया है, इसलिए उसके लोक विशेष में गमन करने के लिए कहना कार्य ब्रह्म का द्योतक नहीं है। बहुवचन का प्रयोग भी आदर के लिए किया जाना संभव है तथा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने लिए रचे हुए अनेक लोकों का होना भी कोई असंभव बात नहीं है। अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसी के परम धाम में जाते हैं तथा पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। संबंध प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं। दर्शनाच श्रुति में जगह जगह गति पूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति दिखाई गई है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। व्याख्या उनमें से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊपर उठकर अमृत तत्व को प्राप्त होता है, वह संसार मार्ग से उस पार उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसके सिवा सुषुम्ना नाड़ी द्वारा शरीर से निकलकर जाने का वर्णन कठोपनिषद में भी वैसा ही आया है। इस प्रकार जगह जगह गति पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति श्रुति में प्रदर्शित की गई है, इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान मार्ग के द्वारा जाने वाले ब्रह्म विद्या के उपासक पर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, न कि कार्य ब्रह्म को। संबंध प्रकारांतर से जैमिन के मत को दृढ़ करते हैं। न च कार्ये प्रतिपत्यभिसंधि, इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का प्राप्ति विषयक संकल्प भी कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है। व्याख्या इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का जो प्राप्ति विषयक संकल्प है वह कार्य ब्रह्म के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उनकी साधना में प्रवृत्ति देखी गई है, इसलिए भी उनको कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। श्रुति में जो यह कहा गया है कि वे प्रजापति के सभा भवन को प्राप्त होते हैं, उस प्रसंग में भी उपासक का लक्ष्य प्रजापति के लोक में रहना नहीं किंतु पर ब्रह्म के परम धाम में जाना ही है, क्योंकि वहां जिस यशों के यश यानी महायश का वर्णन है वह ब्रह्म का ही नाम है। यह बात अन्यत्र श्रुति में कही गई है तथा उसके पहले के प्रसंग में भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहां साधक का लक्ष्य पर ब्रह्म ही है।
संबंध इस प्रकार बादरी के पक्ष की और उसके उत्तर की स्थापना करके अब सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धांत का वर्णन करते हैं। अप्रतिकालंब नान्यतीति वादरायण उभयथा दोषात् कतुश्च। वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करके उपासना करने वालों के सिवा अन्य सब उपासकों को ये अर्च आदि देवता लोग देवयान मार्ग से ले जाते हैं, अतः दोनों प्रकार से मानने में कोई दोष न होने के कारण उनके संकल्पानुसार पर ब्रह्म को और कार्य ब्रह्म को प्राप्त कराना सिद्ध होता है। यह व्यास देव कहते हैं। व्याख्या। आचार्य बादरायण अपना सिद्धांत बतलाते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार वाणी आदि में ब्रह्म की प्रतीक उपासना का वर्णन है, उसी प्रकार दूसरी दूसरी वैसी उपासनाओं का भी उपनिषदों में वर्णन है। उन उपासकों के सिवा जो ब्रह्म लोकों के भोगों को स्वेच्छा अनुसार भोगने की इच्छा वाले कार्य ब्रह्म के उपासक हैं और जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग संपन्न लोकों में और पर ब्रह्म परमात्मा के परम धाम में दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुंचा देता है। इसलिए दोनों प्रकार की मान्यता में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपासक का संकल्प ही इस विशेषता में कारण है। श्रुति में भी यह वर्णन स्पष्ट है कि जिनको पर ब्रह्म के परम धाम में पहुंचाते हैं उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक में होकर ही है। अतः जिनके अंतःकरण में लोकों में रमण करने के संस्कार होते हैं उनको वहां छोड़ देते हैं, जिनके मन में वैसे भाव नहीं होते उनको परम धाम में पहुंचा देते हैं, परंतु देवयान मार्ग से गए हुए दोनों प्रकार के ही उपासक वापस नहीं लौटते। संबंध। प्रतीकोपासना वालों को अर्च मार्ग से नहीं ले जाने का क्या कारण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। विशेषम च दर्शयति, इसका विशेष कारण भी श्रुति दिखाती है। व्याख्या। वाणी आदि प्रतीकोपासना वालों को देवयान मार्ग के अधिकारी क्यों नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन उपासनाओं के विभिन्न फल का वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है। वाणी में प्रतीकोपासना का फल जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक इच्छानुसार विचरण करने की शक्ति बताया गया है। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओं का अलग अलग फल बताया है, सबके फल में एकता नहीं है, इसलिए वे उपासक देवयान मार्ग से न तो कार्य ब्रह्म के लोक में जाने के अधिकारी हैं और न पर ब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में ही जाने के अधिकारी हैं। अतः उस मार्ग के अधिकारी देवताओं का अर्च मार्ग से उनको न ले जाना उचित ही है। तीसरा पाद संपूर्ण। चौथा पाद। तीसरे पाद में अर्च आदि मार्ग द्वारा पर ब्रह्म और कार्य ब्रह्म के लोक में जाने वालों की गति के विषय में निर्णय किया गया। अब उपासकों के संकल्पानुसार ब्रह्म लोक में पहुंचने के बाद जो उनकी स्थिति का भेद होता है उसका निर्णय करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। उसमें पहले उन साधकों के विषय में निर्णय करते हैं जिनका उद्देश्य पर ब्रह्म की प्राप्ति है और जो उस पर ब्रह्म के अप्राकृत दिव्य परम धाम में जाते हैं। संपद्याविर्भावः सेन शब्दात्। परम धाम को प्राप्त होकर इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप से प्राकट्य होता है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा गया है। व्याख्या। जो यह उपासक इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्ञान स्वरूप परम धाम को प्राप्त होता है वह वहाँ अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा। यह उसको प्राप्त होने वाला अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। निःसंदेह उस इस प्राप्तव्य पर ब्रह्म का नाम सत्य है। इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि परम धाम को प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है, अर्थात
प्राकृत सूक्ष्म शरीर से रहित श्रुति में बताए हुए पुण्य पाप शून्य जरा मृत्यु आदि विकारों से रहित सत्यकाम सत्य संकल्प शुद्ध एवं अजर अमर रूप से युक्त हो जाता है। इस प्रकरण में जो संकल्प से ही पितर आदि की उपस्थिति होने का वर्णन है वह ब्रह्म विद्या के महात्म्य का सूचक है। उसका भाव यह है कि जीवन काल में ही हृदयाकाश के भीतर संकल्प से पितृलोक आदि के सुख का अनुभव होता है, न कि ब्रह्मलोक में जीने के बाद, क्योंकि उस प्रकरण के वर्णन में यह बात स्पष्ट है। वहाँ जीवन काल में ही उनका संकल्प से उपस्थित होना कहा है, इसके बाद उसके लिए प्रतिदिन यहाँ हृदय में ही परमानंद की प्राप्ति होने की बात कही है। तदनंतर शरीर छोड़कर परम धाम में जाने की बात बताई गई है और उसका नाम सत्य अर्थात सत्यलोक कहा है। उसके पूर्व जो यह कहा है कि जो यहाँ इस आत्मा को तथा इस सत्य कामों को जानकर परलोक में जाते हैं उनका सब लोकों में इच्छानुसार गमन होता है, यह वर्णन आत्मज्ञान की महिमा दिखाने के लिए है। किंतु दूसरे खंड का वर्णन तो स्पष्ट ही जीवन काल का है। उक्त प्रकरण दहर विद्या का है और दहर यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का वाचक है। यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, इसलिए यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्य गर्भ की या जीवात्मा के अपने स्वरूप की उपासना का है। संबंध उस परम धाम में जो उपासक अपने वास्तविक रूप से संपन्न होता है उसमें पहले की अपेक्षा क्या विशेषता होती है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं मुक्तः प्रतिज्ञानात्। प्रतिज्ञा की जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि वह स्वरूप सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। व्याख्या श्रुति में जगह जगह यह प्रतिज्ञा की गई है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा के लोक को प्राप्त होने के बाद यह साधक सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। इसी से यह सिद्ध होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न होने पर उपासक सब प्रकार के बंधनों से रहित सर्वथा शुद्ध दिव्य विभु और विज्ञानमय होता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। पूर्व काल में अनादि सिद्ध कर्म संस्कारों के कारण जो इसका स्वरूप कर्मानुसार प्राप्त शरीर के अनुरूप हो रहा था परम धाम में जाने के बाद वैसा नहीं रहता, यह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। संबंध यह कैसे निश्चय होता है कि उस समय उपासक सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, इस पर कहते हैं आत्मा प्रकरणात्। प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि वह शुद्ध आत्मा ही हो जाता है। व्याख्या उस प्रकरण में जो वर्णन है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाला स्वरूप आत्मा है, अतः उस प्रकरण से ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के समान परम दिव्य शुद्ध स्वरूप से युक्त हो जाता है। संबंध अब यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाकर उस उपासक की परमात्मा से पृथक स्थित रहती है या उन्हीं में मिल जाता है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। पहले क्रमशः तीन प्रकार के मत प्रस्तुत करते हैं। अविभागेन दृष्टत्वात् उस मुक्त आत्मा की स्थिति उस पर ब्रह्म में अविभक्त रूप से होती है, क्योंकि यही बात श्रुति में देखी गई है। व्याख्या श्रुति में कहा गया है कि हे गौतम, जिस प्रकार शुद्ध जल में गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले मुनि का आत्मा हो जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूपों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने वाला विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रुति के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा में अभिभक्त रूप से ही स्थित होता है। संबंध इस विषय में जैमिनी का मत बतलाते हैं। ब्राह्मणे जैमिनि रूपन्यासादिभ्यः आचार्य जैमिनी कहते हैं कि ब्रह्म के सदृश रूप से स्थित होता है, क्योंकि श्रुति में तो उसके स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसे देखने से और स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या आचार्य जैमिनी का कहना है कि श्रुति में वह निर्मल होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है।
ऐसा वर्णन मिलता है तथा उक्त प्रकरण में भी उसका दिव्य स्वरूप से संपन्न होना कहा गया है। एवं गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे दिव्य गुणों की समता को प्राप्त हुए महापुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न और प्रलय काल में व्यथित नहीं होते। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमात्मा के सदृश दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है। संबंध इसी विषय में आचार्य औडुलोमिका मत उपस्थित करते हैं। चिंतितन मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिहि, केवल चेतना मात्र स्वरूप से स्थित रहता है क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है, ऐसा आचार्य औडुलोमि कहते हैं। व्याख्या, परम धाम में गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्य मात्र रूप से स्थित रहता है क्योंकि श्रुति में उसका वैसा ही स्वरूप बताया गया है। बृहदारण्यक में कहा है कि जिस प्रकार नमक का डला बाहर भीतर से रहित सबका सब रस घन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका सब प्रज्ञान घन ही है, इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है। संबंध, अब आचार्य वादरायण इस विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। एवमुप्यन्यासात् पूर्वभावाद् विरोधम् वादरायणः, इस प्रकार से अर्थात औडुलोमि और जैमिन के कथनानुसार भी श्रुति में उस मुक्तात्मा के स्वरूप का निरूपण होने से तथा पहले चौथे सूत्र में कहे हुए भाव से भी सिद्धांतों में कोई विरोध नहीं है, यह वादरायण कहते हैं। व्याख्या, आचार्य जैमिन के कथनानुसार मुक्तात्मा का स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के सदृश दिव्य गुणों से संपन्न होता है, यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में कही गई है तथा आचार्य औडुलोमि के कथनानुसार चेतन मात्र स्वरूप से स्थित होने का वर्णन भी पाया जाता है। इसी प्रकार पहले सूत्र में जैसा बताया गया है उसके अनुसार परमेश्वर में अभिन्न रूप से स्थित होने का वर्णन भी मिलता है, इसलिए यही मानना ठीक है कि उस मुक्तात्मा के भावानुसार उसकी तीनों ही प्रकार से स्थिति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध, यहाँ तक परम धाम में जाने वाले उपासकों के विषय में निर्णय किया गया। अब जो उपासक प्रजापति ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं उनके विषय में निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि उन उपासकों को ब्रह्म लोकों के भोगों की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इस पर कहते हैं। संकल्पा देवतु तच्छतेह, उन भोगों की प्राप्ति तो संकल्प से ही होती है क्योंकि श्रुति में यही बात कही गई है। व्याख्या, यह आत्मा मन रूप दिव्य नेत्रों से ब्रह्मलोक के समस्त भोगों को देखता हुआ रमण करता है, यह बात श्रुति में कही गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन के द्वारा केवल संकल्प से ही उपासकों को उस लोक के दिव्य भोगों का अनुभव होता है। संबंध, युक्ति से भी उसी बात को दृढ़ करते हैं। अतएव चान्याधिपति ही, इसलिए तो मुक्तात्मा को ब्रह्मा के सिवा अन्य स्वामी से रहित बताया गया है। व्याख्या, वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, मन के स्वामी हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है, अतः वह स्वयं बुद्धि मन वाणी नेत्र और श्रोत्र सबका स्वामी हो जाता है। भाव यह कि एक ब्रह्मा जी के सिवा अन्य किसी का भी उस पर आधिपत्य नहीं रहता, इसलिए पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वह मन के द्वारा संकल्प मात्र से ही सब दिव्य भोगों को प्राप्त कर लेता है। संबंध, उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं उनके उपभोग के लिए वह शरीर भी धारण करता है या नहीं, इस पर आचार्य बादरी का मत उपस्थित करते हैं। अभावं बादरी राह हेवं, उसके शरीर नहीं होता ऐसा आचार्य बादरी मानते हैं क्योंकि इसी प्रकार श्रुति कहती है। व्याख्या, आचार्य बादरी का कहना है कि उस लोक में स्थूल शरीर का अभाव है, अतः बिना शरीर के केवल मन से ही उन भोगों को भोगता है क्योंकि श्रुति में इस प्रकार कहा है। निश्चय ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मन के द्वारा जो ये ब्रह्म लोक के भोग हैं इनको देखता हुआ रमण करता है,
इसके सिवा उसका अपने दिव्य रूप से संपन्न होना भी कहा है। दिव्य रूप स्थूल देह के बंधन से रहित होता है, इसलिए कार्य ब्रह्म के लोक में गए हुए मुक्तात्मा के स्थूल शरीर का अभाव मानना ही उचित है। संबंध इस विषय में आचार्य जैमिनी का मत बतलाते हैं। भावं जैमिनिर विकल्पा मननात्। आचार्य जैमिनी मुक्तात्मा के शरीर का अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि कई प्रकार से स्थित होने का श्रुति में वर्णन आता है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कहना है कि मुक्तात्मा एक प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है, पांच प्रकार से होता है, सात प्रकार से, नौ प्रकार से तथा 11 प्रकार से होता है, ऐसा कहा गया है। इस तरह श्रुति में उसका नाना भावों से युक्त होना कहा है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसके स्थूल शरीर का भाव है, अर्थात वह शरीर से युक्त होता है, अन्यथा इस प्रकार श्रुति का कहना संगत नहीं हो सकता। संबंध। अब इस विषय में आचार्य बादरायण अपना मत प्रकट करते हैं। द्वादशाहव दुभय विधम वादरायणोवतः। दास जी कहते हैं कि पूर्वोक्त दोनों मतों से द्वादशाह यज्ञ की भांति दोनों प्रकार की स्थिति उचित है। व्याख्या। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों आचार्यों का कथन प्रमाण युक्त है, अतः उपासक के संकल्पानुसार शरीर का रहना और न रहना दोनों ही संभव है। जैसे द्वादशाह यज्ञ श्रुति में कहीं अनेक कर्तृक होने पर सत्र और नियत कर्तृक होने पर अहीन माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार का कथन होने से मुक्तात्मा का स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों का भोगना और बिना शरीर के केवल मन से ही उनका उपभोग करना भी संभव है। उनकी यह दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध। बिना शरीर के केवल मन से उपभोग कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। तन भावे सद्य वदुपपत्ते। शरीर के अभाव में स्वप्न की भांति भोगों का उपभोग होता है, क्योंकि यही मानना युक्ति संगत है। व्याख्या। जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर के बिना मन से ही समस्त भोगों का उपभोग होता देखा जाता है, वैसे ही ब्रह्मलोक में भी बिना शरीर के समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव है, इसलिए बादर की यह मान्यता सर्वथा उचित ही है। संबंध। शरीर के द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। भावे जाग्रद्वत। शरीर होने पर जाग्रत अवस्था की भांति उपभोग होना युक्ति संगत है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी के मतानुसार जिस मुक्तात्मा को शरीर की उपलब्धि होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार भोगों का उपभोग करता है। जैसे यहाँ जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करता है, ब्रह्मलोक में ऐसा होना भी संभव है, इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध। जैमिनी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया है, उसके अनुसार मुक्तात्मा के अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है, इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि वे अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिन्न होता है। इस पर कहते हैं। प्रदीपवदावेशस्तथा ही दर्शयति। दीपक की भांति सभी शरीर में मुक्तात्मा का प्रवेश हो सकता है, क्योंकि श्रुति ऐसा दिखाती है। व्याख्या। जैसे अनेक दीपकों में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है, अथवा जिस प्रकार अनेक बल्बों में बिजली के एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्प से रचे हुए समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर दिव्य लोक के भोगों का उपभोग कर सकता है, क्योंकि श्रुति में उस एक का ही अनेक रूप होना दिखाया गया है। संबंध। मुक्तात्मा तो समुद्र में नदियों की भांति नाम रूप से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाता है, यह बात पहले कह चुके हैं। इसके सिवा और भी जगह जगह इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ उसके नाना शरीर धारण करने की और यथेच्छ भोग भूमियों में विचरने की बात कैसे कही गई है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। स्वाप्यय संपत्योरन्यत रापेक्षामा विस्कृतम ही
सुषुप्ति और पर ब्रह्म की प्राप्ति इन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा कहे हुए ये वचन हैं, क्योंकि श्रुति में इस बात को स्पष्ट किया गया है। व्याख्या: श्रुति में जो किसी प्रकार का ज्ञान न रहने की और समुद्र में नदी की भांति उस परमात्मा में मिल जाने की बात कही गई है, वह कार्य ब्रह्म के लोकों को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है, अपितु लय अवस्था को लेकर वैसा कथन है। प्रलय काल में भी प्राणियों की स्थिति सुषुप्ति की भांति ही रहती है, इसलिए उसका पृथक उल्लेख सूत्र में नहीं किया, यही अनुमान होता है। अथवा पर ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात सायुज्य मुक्ति को लेकर वैसा कहा गया है। भाव यह है कि लय अवस्था और सायुज्य मुक्ति इन दोनों में से किसी एक के उद्देश्य से वैसा कथन है, क्योंकि ब्रह्म लोकों में जाने वाले अधिकारियों के लिए तो स्पष्ट शब्दों में वहाँ के दिव्य भोगों के उपभोग की, अनेक शरीर धारण करने की तथा यथेक्ष लोकों में विचरण करने की बात श्रुति में उन उन स्थलों में कही गई है, इसलिए किसी प्रकार का विरोध या असंभव बात नहीं है। संबंध: यदि ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त आत्माओं में इस प्रकार अपने अनेक शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ्य है, तब तो उनमें परमेश्वर की भांति जगत की रचना आदि कार्य करने की भी सामर्थ्य हो जाती होगी। इस जिज्ञासा पर कहते हैं: जगत द्वया पार बर्जम प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च। जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर और बातों में ही उनकी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है, तथा जगत की रचना आदि व्यापार से इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया है, इसलिए भी वही बात सिद्ध होती है। व्याख्या: जहाँ जहाँ इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की उत्पत्ति संचालन और प्रलय का प्रकरण श्रुतियों में आया है, वहाँ सभी जगह यह कार्य उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही बताया गया है। ब्रह्म लोक को प्राप्त होने वाले मुक्तात्माओं का सृष्टि रचनादि कार्य से संबंध कहीं नहीं बताया गया है। इन दोनों कारणों से यही बात सिद्ध होती है कि इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी कार्य हैं, उनमें उन मुक्तात्माओं का कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है। वे केवल वहाँ के दिव्य भोगों का उपभोग करने की ही यथेष्ट सामर्थ्य रखते हैं। संबंध: इस पर पूर्व पक्ष उठाकर उसके समाधान पूर्वक पूर्व सूत्र में कहे हुए सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। प्रत्यक्षोपदेशादिति चैनाधिकारिक मंडलस्थोक्तेह। यदि कहो कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इच्छा अनुसार लोकों में विचरने का उपदेश है, अर्थात वहाँ जाकर इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने के लिए ही है। व्याख्या: यदि कोई ऐसी शंका करे कि वह स्वराट हो जाता है, उसकी समस्त लोकों में इच्छा अनुसार गमन करने की शक्ति हो जाती है, वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, इत्यादि श्रुति वाक्यों में उसे स्पष्ट शब्दों में स्वराट और स्वराज्य को प्राप्त बताया है, तथा इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विचरने की सामर्थ्य से संपन्न कहा गया है, इससे उसका जगत की रचना आदि के कार्य में अधिकार है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यह भी कहा है कि वह सबके मन के स्वामी को प्राप्त हो जाता है, अतः उसकी सब सामर्थ्य उस ब्रह्म लोक की प्राप्ति के प्रभाव से और ब्रह्मा के अधीन है, इसलिए जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने की उसमें शक्ति नहीं है। उसे जो शक्ति और अधिकार दिए गए हैं, वे केवल उन उन अधिकारियों के लोकों में स्थित भोगों का उपभोग करने की स्वतंत्रता के लिए ही हैं, अतः वह कथन वहीं के लिए है। संबंध: यदि इस प्रकार उन उन लोकों के विकार में भोगों का उपभोग करने के लिए ही वे सब शरीर शक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैं, तब तो देवलोकों को प्राप्त होने वाले कर्माधिकारियों के सदृश ही ब्रह्म विद्या का भी फल हुआ, इसमें विशेषता क्या हुई? इस जिज्ञासा पर कहते हैं: विकारावर्ति च तथा ही स्थितिमाह
इसके सिवा वह मुक्तात्मा जन्मादि विकारों से रहित ब्रह्म रूप फल का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी वैसी स्थिति श्रुति कहती है। व्याख्या। श्रुति में ब्रह्म विद्या का मुख्य फल पर ब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है। जो जन्म जरा आदि विकारों को न प्राप्त होने वाला अजर अमर समस्त पापों से रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणों से संपन्न है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होने वाला फल कर्म फल की भांति विकारी नहीं है। ब्रह्म लोक के भोग तो आनुषंगिक फल देते हैं, ब्रह्म विद्या की सार्थकता तो पर ब्रह्म की प्राप्ति कराने में ही है। सुत में उस मुक्तावस्था की ऐसी ही स्थिति बतलाई गई है। जब यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले शरीर रहित बतलाने में न आने वाले तथा दूसरे का आश्रय न लेने वाले पर ब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थित लाभ करता है, तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। संबंध। पहले कहे हुए सिद्धांत को ही प्रमाण से दृढ़ करते हैं। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने, श्रुति और स्मृति भी इसी प्रकार दिखलाती हैं। व्याख्या। श्रुति में स्पष्ट कहा है कि वह परम ज्योति को प्राप्त हो अपने वास्तविक रूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है। ब्रह्म लोक अन्य लोकों की भांति विकारी नहीं है। श्रुति में उसे नित्य सब पापों से रहित तथा रजोगुण आदि से शून्य विशुद्ध कहा गया है। गीता में भी कहा है कि इस ज्ञान की उपासना करके मेरे सदृश धर्मों को अर्थात निर्लेपता आदि दिव्य कल्याणमय भावों को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे न तो जगत की रचना के काल में उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में मरने का दुख ही भोगते हैं। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों में जगह जगह मुक्तात्मा की वैसी स्थिति दिखाई गई है। उसका जो उन उन अधिकारी वर्गों के लोकों में जाना आना और वहाँ के भोगों का उपभोग करना है, वह लीला मात्र है, बंधन कारक या पुनर्जन्म का हेतु नहीं है। संबंध। ब्रह्मलोक में जाने वाले मुक्तात्मा का जगत की उत्पत्ति आदि में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। इस पूर्वोक्त बात को इस प्रकरण के अंत में पुनः सिद्ध करते हैं। भोगमात्र साम्य लिंगाच, भोगमात्र में समता रूप लक्षण से भी यही सिद्ध होता है कि उसका जगत की रचना आदि में अधिकार नहीं होता। व्याख्या। जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याण में भोगों का उपभोग करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस ब्रह्म लोक में रहते समय उपासना काल में की हुई भावना के अनुसार प्राप्त हुए वहाँ के दिव्य भोगों का बिना शरीर के स्वप्न की भांति केवल संकल्प से या शरीर धारण पूर्वक जागृत की भांति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं होता। इस प्रकार भोग मात्र में उस ब्रह्मा के साथ उसकी समानता है। इस लक्षण से भी यही सिद्ध होता है कि जगत की रचना आदि कार्य में उसका ब्रह्मा के समान किसी भी अंश में अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। संबंध। यदि ब्रह्म लोक को प्राप्त होने वाले मुक्त आत्मा की सामर्थ्य सीमित है, परमात्मा के समान असीम नहीं है, तब तो उसके उपभोग का समय पूर्ण होने पर उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है। इस पर कहते हैं, अनावृत्ति ही शब्दादनावृत्ति ही शब्दात्। ब्रह्म लोक में गए हुए आत्मा का पुनरागमन नहीं होता, यह बात श्रुति के वचन से सिद्ध होती है। पुनरागमन नहीं होता, यह बात श्रुति के वचन से सिद्ध होती है। व्याख्या। श्रुति में बार बार यह बात कही गई है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ साधक वापस नहीं लौटता। इस शब्द प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मलोक में जाने वाला अधिकारी वहां से इस लोक में नहीं लौटता। अनावृत्ति शब्दात्, इस वाक्य की आवृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। चौथा पाद संपूर्ण। श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का चौथा अध्याय पूरा हुआ। वेदांत दर्शन संपूर्ण। हरि ओम।